पिछले टायर में। अब पिछले टायर जो है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे 120 सेक्शन का टायर हो गया, 120/80/17। तो यहाँ पे भाई फ्रंट टायर भी एलॉय के साथ अपग्रेड कर दिया गया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन ब्लॉग। सो भाई अभी मैं था गुरु नानक बजाज के स्टॉक यार्ड में, और मेरे पीछे देख सकते हो पूरा स्टॉक यार्ड है। यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं, बट ये वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। वो क्या है भाई, मेरे साथ खड़ी है बजाज की NS125। अब आप कहोगे यार ये तो वही NS125 में हेडलाइट चेंज आ गया था, मीटर वीटर में चेंज हो गया था। भाई नहीं, बजाज ने इस सीज़न, मतलब कह सकते हो ना कि ये फेस्टिवल सीज़न पे ऐसा तहलका, ऐसा धमाका मचा दिया है कि भाई कोई, मतलब कह रहा हूँ कि, मतलब कह सकते हो ना कि 125 सीसी में ऐसे ऐसी चीज़ ला के इस बाइक में इंट्रोड्यूस कर दी है कि 125 सीसी में ये चीज़ आपको और किसी बाइक में नहीं मिल रही है। वो क्या है, आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो का लास्ट में इसका एग्जॉस्ट साउंड, इसका प्राइस, इसकी EMI सब आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, और क्या चेंजेस हुए हैं बाइक में NS125 में। अगर आपके कोई भी दोस्त लेना चाह रहा है तो उसको बता देना कि भाई NS125 में चेंजेस हो गए हैं, न्यू स्टॉक गुरु नानक बजाज पे खड़ा हुआ है, आके डील कर सकते हो फाइनलाइज। ये देख लो, ये है अपनी बजाज पल्सर NS125। NS कैटेगरी की बात करें, सबसे कम सीसी की, द लाइटेस्ट NS बोल सकते हो, और सबसे कम पावर वाली NS। अब इसके अंदर पावर कम है, लाइट वेट है, लेकिन बजाज ने इसके साथ एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर दिया है। बहुत ऐसे फीचर दे दिए हैं जो भाई सेगमेंट में कोई भी नहीं दे पा रहा है, और दे भी पा रहा है तो अभी रिसेंटली एक बाइक लॉन्च हुई थी, बात कर सकते हैं अपने हीरो की एक्सट्रीम 125R, तो उसके अंदर ये फीचर थे। बट बजाज ने कुछ वैसे ही फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए अपनी पल्सर NS125 के अंदर। अब बात करें ऐसे क्या फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, तो वो फीचर्स भी आपको धीरे धीरे पता लगने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे फ्रंट से, तो फ्रंट से आपको अगेन सेम LED सेटअप देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको मिलता है। तो ये आपको LED सेटअप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और बात करें इंडिकेटर्स की, तो आपको अगेन यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई अपनी N सीरीज के अंदर आए थे, N150 वाले, तो वही वाले सेम इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि पहले जो NS में आते थे वो उसका डिज़ाइन थोड़ा लगता है, यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर दिया है। बाकी बात करें यहाँ पे LED DRL देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी। और अगर बात करें यहाँ फ्रंट मडगार्ड की, तो फ्रंट मडगार्ड में आपको कार्बन फाइबर फ्रीज देखने को मिल जाएगी इस तरफ में कुछ इस तरीके से, आपको मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पहले से अब थोड़ा सा थिक कर दिया गया टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी आपका। और बात करें यहाँ पे डिस्क की, तो यहाँ पे 240mm की आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगी। और डिस्क की बात करें, यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्क देखने को मिलती है। और यहाँ पे अब जो मेन सबसे बड़ा चेंज आया है, वो आया फ्रंट का एलॉय, आपका फ्रंट का एलॉय यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। बात करें एलॉय के डिज़ाइन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है अपना N150 से। तो N150 वाला जो एलॉय है वो अब आपको यहाँ पे NS125 के अंदर भी दे दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे एलॉय से आया है, तो एलॉय के बाद आने के बाद यहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले यहाँ पे आपको 80/100 सेक्शन का टायर मिलता था, अब यहाँ पे टायर को इंक्रीज करके 90/90/100 सेक्शन का MRF का टायर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि भाई बजाज ने अभी इंट्रोड्यूस करा। आई डोंट थिंक कि इसके बारे में कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, बट अगेन अगर ये दिल्ली की फर्स्ट वीडियो होगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बट क्लेम नहीं कर रहा, बट मुझे ये लगता है कि दिल्ली की फर्स्ट वीडियो है, और दिल्ली में मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ना, ये आपको गुरु नानक बजाज में मिल रहा है। अगर आप NS125 लेने की सोच रहे हो, तो भाई ज़रूर अगर नियर बाई शोरूम में जा रहे हो और, तो वहाँ पर ज़रूर चेकआउट करना कि टायर जो है अपग्रेड वाला मिल रहा है या आपको पुराने टायर के साथ मिल रहा है। तो मेरा ये रहेगा कि भाई लो तो अपग्रेडेड बाइक लो, ये अपग्रेड वाली है, बिल्कुल लेटेस्ट है। कल ही पूरा स्टॉक आया, आप देख सकते हो पूरा स्टॉक भरा हुआ है। और अभी अपना भाई है जो अपना PDI वगैरह करता है यहाँ पे, तो ये भाई ने पूरी PDI वगैरह करा, और मैंने बाइक देखी, तो मैंने क्यों ना आपको ये चीज़ दिखाई जाए कि यहाँ पे भाई फ्रंट टायर भी एलॉय के साथ अपग्रेड कर दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक वही आपको 14 लीटर के वाला फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। NS का जो डिज़ाइन आता है वैसे मिलेगा। बात करें फ्रेम की, तो वही आपको पेरीमीटर फ्रेम ही देखने को मिल रहा है, उसमें भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अब बात करें अगर इंजन की, तो इंजन भी आपको वही मिलेगा जैसे ही आता था, नॉर्मल अपना 125cc का एयर कूल्ड इंजन। बात करें इंजन की पावर की, तो 20s की आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाती है, और बाकी एग्जैक्ट जो फिगर है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो ही जाएंगे। बाकी इसमें आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं, और साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड देखने को मिल जाएगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा फॉर द सेफ्टी पर्पज़। अब बात करें यहाँ पे NS की क्वालिटी की, तो NS की क्वालिटी जो है ना, बात करें 125cc में और अलग जो और भी अलग बाइकें आती है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी इस बाइक की। उसके पीछे रीज़न है इसका पेरीमीटर फ्रेम। अब पेरीमीटर फ्रेम जो देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है पूरा इस तरीके से, यहाँ पे ये आता है, इसमें इधर में आता है और इधर आता है, ये पूरा पेरीमीटर फ्रेम में क्या होता है, क्वालिटी क्यों यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि भाई सेम पेरीमीटर फ्रेम अपना डोमिनर 400 में आता है, डोमिनर 250 में आता है, RS में आता है, वही सेम आपको पेरीमीटर फ्रेम देखने को यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे है कि आप समझ सकते हो क्वालिटी कितनी इंप्रूव है अगर देखा जाए अलग 125cc बाइक से। अब बात करें यहाँ पे सबसे हैंडल बार की, तो हैंडल बार भाई ये मेरा फेवरेट हैंडल बार आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। हैंडल बार आपको ये मिलने वाला है
अपना क्लिप ऑन हैंडल बार, और यहाँ पे आपको ये न्यू वाले जो इसके हैं वो मिल जाएंगे, जो आपको ये स्विच बटन से, इधर भी आपको ये न्यू वाले मिल जाएंगे। बाकी सब ये ग्लो करते हैं रात को, तो ये बैकलाइट वाले हैं जिसमें रात को ग्लो करते हैं वो वाले हैं। और बाकी यहाँ पे ये आपको मिरर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये मिरर जो सेम NS में आते थे, पर NS का मिरर में अच्छा क्या है कि यहाँ पे जो पूरी ये जो अंदर डंडी आती है ना लोहे की, ये फुल कवर्ड आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे इस मीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो देख लो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये कुछ इस तरीके से ऑन होता है। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो फीचर की, तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप इसमें अपना वो चेकआउट कर सकते हो कि आपकी बाइक में मतलब कॉल वगैरह आ रहा है, तो आपको ऑन द गो आपको पता लग जाएगा कॉल और मैसेज किसका आ रहा है। बाकी यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप भी दिख जाएगा, साइड स्टैंड की वार्निंग मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे फीचर, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जैसे फीचर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे कि आपकी बाइक में मान लो 10 लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चाबी की बात करें, चाबी आपकी वैसी रहने वाली है, पल्सर के ब्रांडिंग के साथ मिल जाएगी, तो चाबी में कोई भी चेंजेस नहीं है, वैसे मिलेगी। अब जो अगेन जो मेजर चेंज आपको देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा भाई पीछे से। अब पीछे में क्या चेंजेस है आपको मैं सबसे पहले दिखाऊँ कि जो उसकी टेल लाइट है, पहले टेल लाइट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, तो टेल लाइट आपकी वैसे की वैसे ही मिलने वाली है। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको मिलेगी टेल लाइट देखने को जिस तरीके से। अब कर देते हैं इसको बंद, और सबसे अच्छी बात क्या है कि 125 में भी यहाँ पे आपको किक स्टार्टर देखने को मिल जाएगा इसके इंजन के साथ, जो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा कुछ इस तरीके से मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। ये लेडीज़ मतलब ये पिलियन के लिए फुट रेस्ट है, वो राइडर के लिए फुट रेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मेजर चेंज अब हो गया है वो है पिछले टायर में। अब पिछले टायर जो है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे 120 सेक्शन का टायर हो गया, 120/80/17, तो पहले जो टायर आता था वो आता था आपका मतलब 100 सेक्शन का, अब यहाँ पे दो साइज इंक्रीज़ कर दिया है पहले से, अब यहाँ पे 120 सेक्शन का टायर कर दिया है, और एलॉय अपना डायरेक्टली N150 वाला उठा के यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये टायर यहाँ पे चेंज हो गया है। स्विंग आर्म चेंज हुआ है क्योंकि पहले स्विंग आर्म थोड़ा पतला था, अब स्विंग आर्म पहले से थिक कर दिया है, और स्विंग आर्म को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया ताकि इसमें टायर ईजिली फिट हो जाए। बाकी ये टायर अगर भी चेंज हुआ क्योंकि टायर का साइज़ चेंज हुआ, तो ये सब कुछ चेंज करा जाता है। बाकी एग्जॉस्ट आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, और ये टेल टाइडी आपको जिस तरीके से देखने को मिल जाएगी विद हैलोजन इंडिकेटर्स। अब आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ कि इसके आपको बताऊँ उसमें एग्जॉस्ट नोट, तो इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लो कि इसका एग्जॉस्ट नोट किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। अब बाइक को कर देते हैं स्टार्ट, तो ये हो गया। अब इसका सुना एग्जॉस्ट नोट, तो ये था कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट और इंजन साउंड। और अब आपको इसका प्राइस बताता हूँ कि इसके प्राइस में क्या इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इसका टायर चौड़ा कर दिया तो प्राइस में क्या इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही में इसमें लोएस्ट डाउन पेमेंट जो रहेगी। और लोएस्ट डाउन पेमेंट का देखो एक ही लॉजिक होता है कि आपका सिविल आपका अच्छा है तो आपकी लोएस्ट डाउन पेमेंट आएगी, बाकी सिविल खराब है तो थोड़ी डाउन पेमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, बट फाइनेंस आपको ज़रूर मिल जाएगी फाइनेंस पे। तो भाई अगर बात करें NS125 वाइडर टायर, अगर बात करें इसका प्राइस, तो इसका प्राइस हो गया 1,24,000 रुपये, और जो पहले से प्राइस था ना उसमें से ऑलमोस्ट 200-300 रुपये का अंतर आया वाइडर टायर और पुरानी वाली के अंदर। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई आप वाइडर टायर वाली बाय करो, वो अपनी अवेलेबल है गुरु नानक बजाज पे, देवली रोड खानपुर पे, आप आके डील को कर सकते हो यहाँ पे फाइनलाइज। बाकी मिलते हैं आपसे अगली अच्छी प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए अपना प्यार ऐसे बनाए रखे, टिल देन सी यू, ओके बाय बाय।